सीरियल अनुपमा में अब अनुज के लिए अनुपमा लेगी नया अवतार आने वाले एपिसोड में, जहां पर काफी कुछ तमाशा देखने को मिल रहा है। अब अनुपमा कोई बुरी तरह से फंस चुकी है कि वनराज ने क्या धक्का दिया है या नहीं, क्योंकि वनराज कुछ भी सच अब अभी तक सही से बता नहीं पा रहा है। दोनों ही एजेज पे खड़े थे और यहाँ पर अनुभव के पैर फिसलने की वजह से ये हादसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बच जाने की कोशिश के बारे में वो बता रहा होता है, लेकिन उल्टा सीधा ही मतलब वो पूरा बता नहीं पाता और सब कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। अनुपमा को इतना तो पता है कि वनराज कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। वहीं बा बुरी तरह से डर जाती है कि कहीं सच में वनराज पर इल्जाम ना आ जाए और वो अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाती नजर आती है, लेकिन अनुपमा दिलासा दिला देती है कि अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो दोनों कभी भी एक दूसरे को मारने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इतना तो मुझे यकीन है। इसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी बरखा और अनुराज को फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुपमा वो कोई भी केस उस पर नहीं होने देगी और अनुराज के और पूरे परिवार को बचाते नजर आएगी, क्योंकि सच में अनुराज की कोई गलती नहीं होती है। उल्टा वनराज यहाँ पर अनुपमा को वो खुलासा करेगा जो उड़ा देगा उसके होश। अब वनराज के को पता होता है कि अनुज के और उसके बीच में जो बातचीत हुई थी, अनुज को पता था कि अनुपमा और अनु के पीछे भी यहाँ पर उसका परिवार भी कितना बुरी तरह से उसके पीछे पड़ा है, इसीलिए उसने वनराज के साथ ही शेयर करी थी। और वनराज यही बात अब अनुपमा को बताते नजर आएगा कि अनुज को डर था कि कहीं उसका परिवार उस अनुज और अनुपमा को नुकसान ना पहुंचाए, और जिस तरीके से तुमने इस परिवार को अपनाया लेकिन उस परिवार ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया है, इसलिए सावधान रहना। तो दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ होने वाला है, बरखा अंकुश और अधिक मिलकर कुछ ऐसे तमाशे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुपमा इसको मौका नहीं देना चाहती है कि अनुज का बिजनेस बर्बाद हो जाए, इसलिए अनुपमा नया अवतार लेते नजर आएगी और अंकुश बरखा और अधिक की प्लानिंग को फ्लॉप करते नजर आने वाली है, जहां पर इन तीनों के ही होश उड़ जाएंगे जब अनुपमा को नए अवतार में और नए तरीके से काम करते हुए देखेंगे और पूरी टीम को साथ लेकर कैसे अनुपमा अनुज का भी ध्यान रखेगी और पूरे बिजनेस का भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आप लोग कितना एक्साइटेड अनुपमा के नए अवतार के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।